यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एक और नया दिन, एक और नया ब्लॉग। आज है गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एक और नया दिन, एक और नया ब्लॉग। आज है 10 अक्टूबर 2022 और जितने भी आपने शुरू की क्लिप देखी कार की, वो सब मैं आपको बताता हूँ सीन क्या है। सीन ऐसा है कि हम कार पे आ रहे थे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में क्यों आ रहे थे मैं आपको बताता हूँ। आज हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आया है, मैं इसकी वजह से हॉस्पिटल आया हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको अपने अन्य मेहमान से मिलाऊंगा। ये हमारी सिस्टर लेटी है, उनके बराबर में ही हमारी ये बच्ची लेटी है, ये आप देख लीजिए। अभी इनको बॉर्न हुई तो 2 दिन से हम अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो हॉस्पिटल में हमारी बहन एडमिट है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया पूरा सीन। तो किसी को तो रुकना पड़ता है का ध्यान रखने के लिए, तो आज मैं रुका हूँ और मेरी सिस्टर रुकी है, और मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगा। पहले यहाँ की मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या अवेलेबल करवाया हुआ है हॉस्पिटल वालों ने। ये एंट्री गेट है, और एंट्री गेट के अंदर होते ही एक तो आपको जो पेशेंट है उसका तो बेड मिलेगा ही मिलेगा, साथ में यहाँ पर ये दे रहे हैं एक चेयर और 2 बेड अलग से दे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख करके, 2 बेड दे दिए इन्होंने, वरना ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में उनसे 2 बेड होते नहीं हैं। ज़्यादा गेस्ट आते हैं उनका पूरा सिस्टम बैठ जाता है, क्या कर बैठ गए वो हो गया सब कुछ। और आगे चल के मैं आपको दिखा दूँ, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, ये हमारा थोड़ा सा छोटा सा किचन है, और इनको ये थोड़ा सा वार्डरोब है जहाँ पर सामान है थोड़ा बहुत, चीनी पत्ती चाय वाय बनाने के लिए, और ये वॉशरूम है। इंग्लिश टॉयलेट है, अगर हिंदी होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। बाकी अंदर से देख लीजिए कैसा है वॉशरूम, और गाइज यहाँ पर बीच में इन्होंने एक छोटी सी ये दे रखी है अलमीरा सामान रखने के लिए, थोड़ा बहुत सामान आ जाता है इसमें, जैसे कि हमने कुछ चाबी रख दी, अपना फ़ोन रख दिया, ये भी है, बहुत सारी चीज़ें बच्चे के भी आ जाता है सामान, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ लगी इसमें। और गर्मी के मतलब का भी है हिसाब पर, अभी तो बारिश पड़ रही है तो गर्मी का पंखा खोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता, वैसे इन्होंने एक फ़ैन दे रखा है और इधर एसी दे रखा है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है जो हम यूज़ कर सकते हैं। और टाइम आप देख रहे हो 3 बजे, शूट करने का कोई पर्पस नहीं था मेरा ब्लॉग, बस यही था कि मैं आपको बता दूँ कि 2 दिन से इतनी बारिश पड़ रही है लगातार, मैं शूट नहीं कर पा रहा। आज संडे था तो आज भी मुझे शूट करने जाना था बाहर, पर मैं शूट नहीं कर पाया और उसके कारण मुझे यहाँ आना पड़ेगा जल्दी से। तो यहाँ मैं पूरी रात रुका हूँ, मैं रुका हुआ हूँ, और अभी आप देख रहे हैं टाइम हुआ है अभी 2:50, मतलब 3 बजने में अभी 10 मिनट हैं। अभी मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर और सोते हैं, इस व्लॉग को रखूँगा अगले दिन तक, मतलब मैं 2 दिन का व्लॉग एक साथ ही डालूँगा एडिट करके। मिलते हैं सुबह को, मिलता हूँ आपसे सुबह। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि मेरी सिस्टर यहाँ लेटी हुई हैं इस बेड पर, और मुझे ये बेड मिला है लेटने के लिए। सोते हैं और सुबह मिलते हैं आपसे, बताते हैं सुबह का क्या सीन रहेगा यहाँ पर। और गाइस मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि मैंने अभी अभी स्टूडियो में जाकर देखा है फैज़ ने और मैंने, कि वाइट स्टूडियो जो होता है उसमें जाकर देखा कि नॉन सब्सक्राइबर जो हैं वो 45% हैं, और जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ओनली ओनली 35% हैं। तो गाइस जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दो मैं वीडियो देखने के लिए।
तो गाइस अभी सीन कुछ ऐसा है कि मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि सुबह उठते ही बहुत सारे गेस्ट आ गए थे यहाँ पर, क्योंकि आना जाना तो लगा रहता है आपको पता ही है। और मैंने आपको जैसे कि लास्ट नाइट आपको बताया था कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, तो आपको बता दूँ कि हाँ ओवरऑल मुझे सब कुछ अच्छा लगा, कोई भी कमी नहीं है यहाँ पर। जितना भी स्टाफ है रिस्पॉन्सिव है, मतलब आप जो भी काम बोले जल्द से हो जाता है। थोड़ा कॉस्टली तो होता ही, आपको पता ही है प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल हैं बहुत सारे, पर कॉस्टली होने के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है उसके अंदर। और बाकी सब मुझे कोई भी बुरी नहीं लगी, क्योंकि सब कुछ अच्छा है यहाँ पर, मैंने सब कुछ रहता है। एक दो दिन रहा हूँ भाई, तो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा अच्छे होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो क्लिप आपने अभी देखी, वो मैं मार्केट गया था कुछ प्रोडक्ट लेने अपने फ़ोन के लिए, तो मैं उसको अगले ब्लॉग में कवर करूँगा। इस ब्लॉग में ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, वो भी मैं आपको बता दूँ कि ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए इस वजह से। तो इस ब्लॉग को रखते हैं यहाँ तक, और जो भी प्रोडक्ट लाया भी मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा, आपको अनबॉक्सिंग करेंगे साथ मिलकर। बाय बाय। अगर आपने इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, मेरे नए वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।